ओम नमः शिवाय। आज मैं बात करूंगा दिव्य दृष्टि के बारे में। करीबन 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने दिव्य दृष्टि के बारे में बताया था लोगों को, तो उसके मुझे काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले और काफ़ी लोग आगे भी आए सीखने के लिए। लेकिन उनमें से जो वर्ग था वो लगभग 40-50 के ऊपर ही था, और इस चीज़ को करने के लिए मुझे नौजवान चाहिए क्योंकि नौजवान इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। अब जिनकी एज हो गई है 50 से ऊपर, वो काफ़ी इसमें मेहनत लगेगी उनको करने के लिए, क्योंकि इसमें साधना करनी पड़ती है और साधना करने के लिए आपका शारीरिक जो बल है वो भी चाहिए होता है। तो जितनी भी कम उम्र में आप शुरू करेंगे उतना ही आपको लाभ ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये कम उम्र में की जाती हैं। अगर आप बचपन से इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता कि आप इसको ना पा सकें। बात है हमारे कुरुक्षेत्र की। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और युद्ध समाप्त होने के बाद कुरुक्षेत्र के सरोवर में वो सारे हथियार डाले गए थे, वो सारे दिव्य अस्त्र वहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी वो हमसे काफ़ी आगे थी। उनको अपना फ़ोन रिचार्ज नहीं करना पड़ता था किसी को देखने के लिए, किसी से बात करने के लिए। बस मन में एक विचार उत्पन्न कीजिए और किसी से भी बात कर लीजिए। मान लीजिए मीलों दूर जाना है तो हम किसी कार, किसी बाइक या किसी प्लेन का इंतज़ार नहीं करेंगे, बस मस्तिष्क में उस बारे में सोचिए और वहाँ पहुँच जाइए। बात तब की है जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। उस समय वेदव्यास जी आए धृतराष्ट्र के पास और उन्होंने उनसे विनती की कि आप इस दिव्य दृष्टि को ले लीजिए और जो भी हो रहा है उसको अपनी आंखों से देख लीजिए। तब धृतराष्ट्र जी ने संकोच जताए कि मैं अपने ही पुत्रों का खून कैसे देख सकता हूँ, और इसलिए उन्होंने कहा कि ये दिव्य दृष्टि आप संजय को दे दीजिए और वो मुझे सारा दृष्टांत बता देंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है। उस समय वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। तो ये जो है हमारी प्राचीन कलाओं में आती थी। लोग देश विदेश से हमारे पास तंत्र सीखने आते थे और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि उस समय जो है सत्य का राज था, चारों तरफ सत्यता थी, कहीं पर भी झूठ, लोभ, माया का नाम भी नहीं था, क्योंकि लोग ज्ञानी थे। आप बच्चे बच्चे को देखेंगे तो उनके पास दिव्य दृष्टि आपको उस टाइम मिल जाती। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि हमारे जो एक ज्ञान है, जो हमारा पश्चिमी देश है, वो सारा कुछ चुरा कर ले गया। अब आप देखिए जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसमें जो असीम ज्ञान बिखरा पड़ा था, जो हमने न जाने कितने वर्षों से समेट कर रखा हुआ था, उसको आप देख सकते हैं कि कितने महीने लगे थे जलने में, तो उसके अंदर कितना ज्ञान भरा होगा, कितने ऐसे ग्रंथ होंगे जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। ऐसी ऐसी दिव्य दृष्टि, न जाने और भी कितनी ऐसी शक्तियों के बारे में वहाँ पर होगा, जिनकी अगर आज हमारे पास पुस्तकें होती तो न जाने भारत किस जगह पर होता। और मेरा तो ऐसा भी मानना है कि अंग्रेज इतने बेवकूफ़ तो नहीं होंगे कि इतने बहुमूल्य खजाने को ऐसे ही जला दें। तो आज जो इंग्लैंड सबसे अमीर है वहाँ पर हमारे जो ग्रंथ हैं वो मिल सकते हैं। हमारे ग्रंथों पर उन्होंने रिसर्च कर करके जो चीज़ें बनाई हैं, बस ऐसा समझिए कि उनके पास उस समय वो ज्ञान था कि ज्ञान को अर्जित कर ले, वो जितना ज्ञान उन्हें अर्जित करना था और जितना हमसे चुराना था वो चुरा कर ले गए। लेकिन हमारी मिट्टी में कुछ ऐसा है कि वो तो वो चुरा नहीं सकते। और अगर बात आ जाए ज्ञान की, तो हमने तो उसको आविष्कार किया है। दिव्य दृष्टि का हम स्रोत हैं, हमने उसका आविष्कार किया है। तो हमसे आप एक स्क्रिप्ट चुरा सकते हैं लेकिन सोर्स तो हमारे पास ही रहेगा। तो हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा जानता है कि ऐसी शक्तियाँ हमारे पास हैं और हम इसको दोबारा से जीवित कर सकते हैं। तो इसी कामना के साथ कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो कि प्राचीन काल में हर एक के पास थी, किसी से भी कोई बिना टेलीफोन के बात कर सके, किसी के भी मन की राज जान सके और हवा में उड़ सके, गायब हो सके,
और जो भी आपके मस्तिष्क में विचार उठ रहे हैं या फिर आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी आप सोच सकते हैं, वो सारा कुछ आप संभव कर सकें, ऐसी विद्याएं हमारे पास हों और हमारे दिमाग का हम 100% उसका इस्तेमाल कर सकें, वो सारी विद्याएं हमारे पास दोबारा से आ सकती हैं, जीवित हो सकती हैं। तो इसी आशा के साथ मैंने ये जो है प्रोग्राम शुरू किया था, और इसके बाद जो मुझे क्वेश्चन आंसर मिले वो बहुत ही अजीबोगरीब थे। तो सबसे पहले मेरे पास एक युवती आई और उसने पहला प्रश्न मुझसे किया कि गुरुजी, ये जो दिव्य दृष्टि है ये असली में होती है? तो मतलब ऐसा क्वेश्चन सुनकर मेरा तो मतलब दिल ही पसीज गया कि मैं इसको सिखाऊं या इससे बातें करूं, मतलब क्या कहूं मैं इसको, जिसको विश्वास ही नहीं है दिव्य दृष्टि पे, वो क्या सीख पाएगी। तो सबसे पहला मूल मंत्र होता है कि आपको जो चीज़ चाहिए होती है उस पर विश्वास करना होता है। तो इस चीज़ पर विश्वास कीजिए कि आप इस चीज़ को कर सकते हैं, और अगर आप इस पर संकोच कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं कि दिव्य दृष्टि होती भी है नहीं, तो फिर आप इस चीज़ को मत कीजिएगा, क्योंकि ये समय खराब करने वाली बात होगी और कुछ भी नहीं। अगर आपको पूर्ण विश्वास हो कि दिव्य दृष्टि होती है, मुझे ये सीखनी है, इसमें चाहे मेरी पूरी ज़िंदगी खराब क्यों ना हो जाए, तभी आप इस कोर्स को करें, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा हैं और इस विषय को एक वीडियो में सीमित कर पाना बहुत मुश्किल है। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं इसी एक वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाऊँ। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि इस विद्या को कौन कौन सीख सकता है। तो इस विद्या को सीखने के लिए जो किशोर अवस्था है वो सबसे बेहतर मानी गई है। आपकी एज अगर 7 साल से 30 या फिर 31 साल के बीच में है तो आप इसको बड़ी आसानी से सीख सकते हैं, और अगर आप 50 से ऊपर हैं तो इसको सीखने में बहुत मुश्किल आएगी आपको, और अगर आप 60 से ऊपर चले गए हैं तो फिर इस चीज़ को ना ही सीखेगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे किसी विशेष कुल, विशेष जाति से संबंध रखना होगा जिससे कि मैं इस दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर सकूं, या फिर मुझ में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ पहले से ही हों जो कि मुझे इसमें सहायता करेंगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो संजय थे वो सूत पुत्र थे, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण बने और उन्होंने दिव्य दृष्टि प्राप्त की। तो आप में से कोई भी इस दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर सकता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो। एक अनुरोध और मैं आपसे करना चाहूँगा कि जब भी आप मुझे कॉल करें तो कृपया समय का ध्यान दें, क्योंकि रात्रि को या तो मैं साधना कर रहा होता हूँ या मैं सो रहा होता हूँ, और जब 3 बजे आपका कॉल बजता है तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, सही बता रहा हूँ। मुझे कभी भी रात में कॉल ना करें, क्योंकि रात में मैं किसी साधना में होऊंगा या फिर मैं सो रहा होऊंगा। तो आपको जानकारी क्या, मैं आपका फ़ोन काट ही दूंगा, लेकिन जो मेरी स्लीप डिस्टर्ब होगी उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तो आप ज़रा संयम रखकर थोड़ा सा वेट करें और सुबह होने का इंतज़ार करें, तब मुझे कॉल करें। बिल्कुल एकदम फ्लड मत लाजिएगा कि बस लाखों लोग एक साथ मुझे फ़ोन करने लग जाएं, इससे क्या होगा कि मेरी जो लाइन है वो ब्लॉक हो जाएगी और आप लोगों को कुछ भी नहीं मिल पाएगा। जिसको जो पूछना हो आराम से सलीके से सिर्फ एक बार मुझे कॉल करें, और फिर एक बार अगर मैं काट दूं तो फिर मुझे अगले दिन फ़ोन करें। ये नहीं है कि बस करते ही जाओ करते जाओ, उसके बाद मैं ब्लॉक करूंगा नंबर, और कुछ भी नहीं है। हम कितने खुशनसीब हैं कि ज्ञान पाने की जो ताकत है वो हमारे हाथों में है। हमें बस अपने लैपटॉप या फिर अपना मोबाइल खोलना है और जो भी हमें सीखना है उसे हम सरलतम विधि से देख सकते हैं। और जो पिछला ज़माना था उसमें कितनी मुश्किल होती थी, कितनी दिक्कत होती थी गुरुकुल में जाना, वहाँ पर जाकर शिक्षा ग्रहण करना, फिर सालों बाद वापस आना, लेकिन अब हम घर पर बैठे बैठे एक साथ न जाने कितनी विद्याएं अर्जित कर सकते हैं। तो इस समय का जितना हो सके सदुपयोग कीजिएगा। अब कईयों के मन में ये विचार उठ रहे होंगे कि हम क्यों सीखें कुंडलिनी जागरण और ये जो है थर्ड आई ओपनिंग क्यों सीखें हम। तो मैं आपको बता दूँ, ज़िंदगी में 2 रास्ते होते हैं, एक गृहस्थ का और एक साधना का। तो जैसे जैसे आप गृहस्थ की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपकी जो ज़िंदगी है उसमें निराशा आनी शुरू हो जाती है। अगर आप देखें तो इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है, आप खुद ही महसूस करके देखिए। चाहे आपके पास बेशुमार दौलत हो, चाहे आपके पास दुनिया की
सारी ऐशो आराम हो, लेकिन फिर भी आपका मन जो है वो किसी चीज़ को ढूंढ रहा होगा कि कुछ तो कमी है, किसी चीज़ की कमी है। आपका मन बार बार आपको किसी तरफ इशारा कर रहा होगा कि हाँ थोड़ी सी कहीं पर कमी है। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप कहेंगे कि मेरे पास वो वाली गाड़ी नहीं है। अगर आपके पास वो वाली गाड़ी भी आए थे तो फिर आप कहेंगे कि मेरे पास वो वाली जहाज़ नहीं है। अगर आप जहाज़ भी ले लेते हैं तो भी आपका मन कहीं ना कहीं विचलित रहेगा। तो ये सारा कुछ जो है ये हमें उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है जो हमारी शक्तियाँ हैं, जो हमारा स्वरूप है, जो हम असली में जो हम हैं, हम जो वास्तव में हैं। हम भगवान का अंश हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। ये ब्रह्मांड हमारे लिए बना है और हम इस ब्रह्मांड में विचरण कर सकते हैं बिना किसी के आज्ञा के, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी सरहद के। हम कहीं पर भी जा सकते हैं बिना किसी पासपोर्ट के। और ये आज़ादी हमें जन्मजात ही मिली है, हमारे अंदर ही सब कुछ है। बस हमें ज़रूरत है तो उस जगह पर पहुंचने की, उस डिवाइन पावर से जुड़ने की, उस जगह पर जाने की, उस रहस्य को खोजने की जो हमारे भीतर ही है। हमें उस जगह जाना होगा तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि ज़िंदगी भर इधर उधर भटकने से अच्छा है आप इस साधना में लीन हो जाएं और परमेश्वर के पास बैठ जाएं, जिससे कि आपका परलोक भी सुधर जाएगा। ज़्यादातर लोग एक पैटर्न में चलते हैं, पढ़ाई पूरी की, शादी की, गृहस्थी में चले गए। लेकिन हमारा जो जीवन है, हम किस लिए इस धरती पर आए हैं उसको कोई नहीं जानता। हम इस धरती पर इसलिए आए हैं ताकि हम इस जीवन मरण के मृत्यु के चक्र से, इस मृत्यु लोक से मुक्त हो सकें। लेकिन इस माया के जाल में पड़कर लोग ये सब भूल जाते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, और इस काल चक्र में फंस के रह जाते हैं। एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, फिर कपड़े चेंज करो, फिर दोबारा से आओ, बच्चे से ABCD पढ़ो, फिर पूरा स्कूलिंग करके फिर जाओ, फिर वही शादी, फिर वही बुढ़ापा, और ऐसे ही चलता रहता है ये क्रम। लेकिन जो भी इस साधना को सीखना चाहे वो अपने आप को निर्मल बनाए। किसी भी तरह का अगर आप धूम्रपान करते हैं, किसी भी तरह की आप दारू पीते हैं, किसी भी तरह का नशा करते हैं, चाहे वो बियर ही क्यों ना हो, उसको भी मत कीजिएगा। किसी भी तरह का अगर आपके अंदर किसी भी तरह का नशा करने की आदत हो, चाहे आप उसको शंभू का प्रसाद ही कहते हो, वो भी मत कीजिएगा। आपको बिल्कुल जैसे निर्मल बनना है, जैसे कि भगवान शिव हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जाके दारू की बोतलें उठा उठा के आप पीने लग जाएं। आपको बिल्कुल इन चीज़ों से दूर रहना है, दारू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इन सब से दूर रहिए और अपने आप को स्वस्थ वातावरण में रखिए। स्वच्छता आपके अंदर सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं। जब आपके अंदर ये ज्ञान आना शुरू हो जाएगा तो आप विनम्र हो जाएंगे, आपके शरीर से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। अभी आप देख रहे होंगे कि आपके शरीर से जो है दुर्गंध आती होगी, लेकिन जब ये आप इस राह में चलेंगे, साधना की राह में, तो आपके शरीर के अंदर से ही एक विशेष प्रकार की खुशबू आने लग जाएगी जो कि सबको मोहित कर देगी। और एक बार आप कहीं से निकल भी जाओगे तो लोग टकटकी लगाए आपको देखते रहेंगे, लेकिन उस समय हमें विचलित नहीं होना है। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब थोड़ी सी शक्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं साधना में, तो लोग विचलित हो जाते हैं और उस मार्ग को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो माया है ये अपना रंग दिखाएगी। अगर आपके पास जल्दी अगर आप अर्जित कर लेते हो और आपके पास और कोई शक्ति आ जाती है तो भी इस मार्ग से ना हटिएगा। आपको विचलित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आएंगी रास्ते में, लेकिन आपको डरना नहीं है और इस रास्ते में लगे रहना है, क्योंकि इसका रास्ता जो है स्वर्ग की तरफ जाता है। और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 999-284-1625।